नैना समीर की शादी तो हो गई, तो वहीं आपको बता दें कि वेडिंग नाइट में हुआ सबसे बड़ा स्यापा। जी हां, आपको बता दें कि नैना समीर की फर्स्ट नाइट यानी कि सुहाग रात पर कुछ ऐसा हंगामा हुआ जिसे जानने के बाद आप सभी काफी उदास होने वाले हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि सोनी टी पर टेलीकास्ट होने वाले द वेरी पॉपुलर शो, ये उन दिनों की बात है जिसे फेम पा रहे द वेरी हैंडसम एक्टर रणदीप राय जो कि शो में समीर बने हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आशीष सिंह जो कि नैना का किरदार प्ले करती हुई नजर आ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि शो में चल रहा है नैना समीर की शादी का ट्रैक, तो वहीं शादी तो हो गई लेकिन उसके बाद जिसका हर किसी को इंतजार रहता है यानी कि फर्स्ट नाइट। जी हाँ, नैना समीर की फर्स्ट नाइट जैसा कि आप सभी सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है, तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जी हाँ, एज पर द रिसोर्सेस बता दें कि पहली ही रात यानी कि वेडिंग नाइट पर ही अलग हो गए नैना और समीर। जी हाँ, आप सभी को जानकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही होगी, लेकिन खबरों की माने तो आप सभी को बता दें कि समीर और नैना अपनी पहली ही रात यानी कि सुहाग रात पर अलग अलग हो जाएंगे। जी हाँ, समीर के घर में होती है एक ऐसी रस्म जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। आपको बता दें कि समीर की माँ यानी कि नैना की सासू माँ आ जाती हैं समीर और नैना के रूम में। जी हाँ, समीर ले जाते हैं नैना को अपना रूम दिखाने, जहाँ पर हो जाती है समीर की माँ की एंट्री यानी कि मम्मी की एंट्री, जिसके बाद जो होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दरअसल आपको बता दे कि समीर के घर में होती है कैसी रस्म जिसमें शादी के बाद यानी कि फर्स्ट नाइट पर दुल्हा दुल्हन एक साथ नहीं सो सकते हैं। जी हाँ, दुल्हन को गणपति जी की मूर्ति के सामने ही सोना होता है और वो भी फर्श पर। जी हाँ, आपको बता दें कि जब समीर और नैना एक साथ होते हैं रूम में तो अचानक से समीर की मम्मी आ जाती हैं और गुस्से में नैना को देखती हैं और नैना को सुना देती हैं खरी खोटी। जी हाँ, नैना को बोलती हैं क्या तुम्हें एक दिन भी नहीं रुका जाता है, और वहां से गुस्से में ले जाती हैं नैना को। वेल, ये सब देखने के बाद तो फैंस के दिल जरूर टूट जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नैना और समीर का रोमांस जो था वो तो नहीं देखने को मिलने वाला है, और दोनों अलग भी हो जाएंगे जो कि काफी ज्यादा इमोशनल और उसी के साथ सैड भी होगा। नेक्स्ट लाइव से हिमांशी की रिपोर्ट।